Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So today's video I'm going to share with you my basics of simple makeup जो मैं regular basis पे अपना makeup करती हूँ. अगर हम बात करें makeup के बारे में यानी कि जो मैं करती हूँ, तो सबसे पहले एक important thing होती है, not in basic makeup but हर makeup में हमें सबसे पहले हमारी जो skin होती है उसे अच्छी तरीके से prep कर लेना है. Because हमारी अगर skin prep नहीं होगी, वो एक base रहता है हमारी skin के ऊपर, ताकि हमारे जो मेकअप है वो हमारी स्किन के अंदर ना जाए. इसलिए तो हमने ऑलवेज हमारे मेकअप करने से पहले हमारे स्किन प्रेप कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कर लिया है. तो हम जल्दी से अभी हमारा रेगुलर वाला मेकअप कर लेंगे. आई विल स्टार्ट विद द प्राइमर. ये नायका का प्रेप मी अप प्राइमर है गाइस. ये काफी अच्छा है, अपने जो पोर्स होते हैं उनको काफी अच्छे से ब्लर कर देता है, और जो अनवॉन्ट टेक्सचर होता है अपनी स्किन का वो इवन कर देता है, और थोड़ा ब्राइटन अप कर देता है फेस को. दैट्स व्हाई आई लव इट एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल. सो गाइस, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ थोड़ा सा ही लेंगे, मेरे फेस के लिए इतना काफी है. ये जो प्राइमर होता है ना गाइस, ये अच्छी से हमारा जो बेस होता है, कंसीलर लगाइए, फाउंडेशन वगैरह हमने जो भी अगर लगाया ना, अच्छी तरीके से, मतलब ये जो दिल का फाउंडेशन फट जाता है, ये प्राइमर वगैरह अच्छे से आप अगर लगाओगे ना, तो आपका जो बेस है वो कभी भी नहीं फटेगा. सो नेक्स्ट इज गाइस हमारा कंसीलर. तो आपके स्किन टोन से जो भी मैच करता हो वो कंसीलर आप ले लीजिए गाइस. इससे जो हमारे अनइवन स्किन टोन है, जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये जो फेस पे मेरे कुछ स्पॉट्स है उसे हम अच्छे से इससे कवर कर लेंगे. तो लिटिल बिट अमाउंट हमारी डार्क सर्कल्स है ना, इसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे. एंड आई वॉज यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर, काफी अफोर्डेबल है गाइस, और इससे मेरा जो शेड है आई थिंक 011 सैंड है. ये मेरे स्किन से काफी अच्छे से मैच करता है, और काफी अच्छे से ये जो डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल्स है, इसे अच्छी तरीके से ये हाइड कर देता है. तो रेगुलर बेसिस पे आई डोंट वॉन्ट टू अप्लाई एनी फाउंडेशन ऑन माई स्किन, बिकॉज काफी हेवी लगता है और काफी फेस सा भी लगता है, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता है. तो आई ऑलवेज अप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस दिस इज ब्यूटी का कंसीलर. देखिए से मैंने इसे काफी अच्छी खासी अमाउंट में अप्लाई कर दिया है. सो गाइस हम इसे एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे. हाथों के मदद से भी हम इसे अच्छे तरीके से हमारे फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. हाथों से काफी अच्छी तरीके से रिब्लेंड होता है, और ऑलवेज यूज योर स्किन टोन कंसीलर, बिकॉज हम इसके अलावा कुछ और अप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो हमें हमारे स्किन टोन का ही कंसीलर यूज करना है, जैसे कि वो हमारे डार्क स्पॉट को भी हाइड कर सके और हमें अच्छी खासी कवरेज भी प्रोवाइड कर सके. टार्ट का कंसीडर आई लव इट, बट मेरे पास अभी वो है नहीं, तो इसलिए मैं ये स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ. तो मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर चाहती हूँ गाइस. तो गाइस मैंने यहाँ पे मेरा कंसीलर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है, और मैंने इसे बैक कैमरा फिंगर की हेल्प से अच्छी से ब्लेंड किया है. आप ब्यूटी ब्लेंडर की भी हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, बट आई थिंक फिंगर से काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है. और आई हैव अ प्रो टिप फॉर यू, तो आप जब भी पार्टी में जाओ, कोई फंक्शन में जाओ, ऑलवेज यूज मिनिमम मेकअप, बिकॉज मिनिमम मेकअप से आपकी जो स्किन होती है वो काफी अच्छी से, मतलब प्रोमिनेंट होती है, और मतलब काफी अच्छा लुक आता है उससे. और जब भी आप हेवी मेकअप करते हो काफी की लुक आता है, तो आई विल यूज मिनिमल मेकअप ऑन योर स्किन. तो नेक्स्ट स्टेप गाइस इट्स ऑल गर्ल्स फेवरेट ब्लश. हम अच्छी से अभी स्विस ब्यूटी का ब्लश चलाएंगे हमारे चीक्स के ऊपर. आई वाज यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ग्रीन ब्लश. इसमें मेरा शेड है गाइस चीक को पिंक. ये काफी अफोर्डेबल है, आई थिंक इट्स रेंज में ग्रीन ब्लशेस काफी महंगे आते हैं, बट ये काफी अफोर्डेबल भी है, और इसका जो पिगमेंट है इट्स जस्ट लाइक अ वाव.
मिनिमल मिनिमल इतने अच्छे से हम हमारे हेयर पे थोड़ा अप्लाई करेंगे और मिनिमल ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अगेन फिंगर की हेल्प से इसे हम अपर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। थोड़ा नोज पे भी हम इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, ज्यादा ना लेना बिकॉज इसे थोड़ा थोड़ा लेके अगर आप यूज करोगे ना तो मतलब अगर हमें ज्यादा भी लगे मतलब थोड़ा और अगर चाहिए हो तो हम एक साथ ले सकते हैं, मगर एक साथ अगर आप एक साथ अमाउंट में हम बहुत सारा लेके फिर फेस पर अप्लाई करेंगे ना तो हमारे जो शेक्स से वो जो ऊपर की तरह दिखने लग जाएंगे, इसलिए ऑलवेज अप्लाई अ मिनिमल मेकअप। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मिनिमल प्रोडक्ट ले और उसे अच्छी तरीके से हम अप्लाई करें। लीजिए अप्लाई हो चुका है। अब वी आर गोइंग टू डू बेकिंग, तो बेकिंग आई विल शो यू हाउ टू डू द बेकिंग ऑन माय पेज। सो गाइस टेक अ लिटिल बिट जूस पाउडर इन योर ब्यूटी ब्लेंडर, डब इट ऑफ, थोड़ा थोड़ा अंडर आई क्रीम पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। और समर्स में काफी हमें अच्छी तरीके से हमारा मेकअप सेट चाहिए होता है तो उसके लिए हम जितनी अच्छी बेकिंग करेंगे उतना अच्छे से हमारा जो मेकअप है काफी लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे गर्मी तो बहुत है, हमारे यहाँ पे अभी 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपके यहाँ पे क्या टेम्परेचर है कमेंट करके बताइए। तो अभी मेकअप मेरा तो फेस से काफी वियर्ड लग रहा है बट इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे, अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। आई वॉज नॉट अप्लाइंग दिस ऑन माई ब्लश साइड बिकॉज मुझे ऐसे ही पसंद है। इसे अच्छी तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। काफी अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया है, काफी ही वन भी लग रहा है। सो गाइस हमारा जो बेस है काफी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, मैंने ब्लेंडिंग भी अच्छी तरीके से कर ली, लूज पाउडर भी मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया फेस के ऊपर। सो नाउ कम टू माय फेवरेट पार्ट, मस्कारा। और सबसे पहले मस्कारा लगाने से पहले हम हमारे जो आईलैशेस है उनको अच्छी तरीके से लिफ्ट कर लेंगे एक आई कलर की हेल्प से। कोई सा भी आई कलर यूज कर सकते हो, इसे हम काफी स्लोली स्लोली हमारी आई लैशेस को इससे कर्ल करेंगे काफी स्लोली जेंटल तरीके से, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप अपने आंखों को चोट पहुंचा लो। सो नेक्स्ट इज माय फेवरेट मस्कारा स्विस ब्यूटी का, ये काफी अच्छी से हमारे आई लैशेस में लेंथ और वॉल्यूम दोनों प्रोवाइड कर देता है गाइस। इसे अच्छी तरीके से हम हमारे आई लैशेस से अप्लाई करेंगे। सो गाइस यू कैन सी द डिफरेंस विदाउट मस्कारा एंड विद मस्कारा, तो इतनी काफी मस्कारा लगाने से जो मेरी आईज है अच्छी साइड से काफी सुधर रही है, तो ये साइड से काफी सुधी सुधी लग रही है ना, तुम्हें दोनों साइड पे अप्लाई करके आते हैं। सो गाइस लुक एट माय आईज, काफी अच्छी लग रही है ना, मुझे तो लगता है मस्कारा लगाने के बाद हमारी आंखें काफी चमकने लगती है। आई थिंक आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपको मस्कारा लगाना पसंद है या नहीं। मुझे रेगुलर बेसिस पे गाइस ये जो आईलाइनर हम लगाते हैं मुझे आईलाइनर लगाना नहीं पसंद है, बट कभी कभार मैं स्केच वाला आईलाइनर ही प्रेफर करती हूँ जब भी मैं जॉब पे जाती हूँ। अदरवाइज ये जो लिक्विड वाला आईलाइनर होता है ना उसे लगाने में मुझे भी काफी प्रॉब्लम आती है गाइस, बट आई ऑलवेज प्रिफर टू अप्लाई स्केच और माय आईज। तो मैं शुगर का यूज करती हूँ, आप कौन सा यूज करते हो मुझे बताओ। ये शुगर का आईलाइनर है गाइस, स्केच है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है गाइस ये और वाटर प्रूफ भी है। सो इतने तरीके से हम अभी अप्लाई करेंगे।
गाइस। लाइन अप्लाई करना, अदरवाइज वो जो लिक्विड वाला हम यूज करते हैं ना, उससे काफी मतलब डिफिकल्टी होती है अप्लाई करने में। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने आईलाइनर को अच्छी तरीके से अपने दोनों साइड से अप्लाई कर लिया है। गाइस मैं ये सेरी का लिप ग्लॉस अप्लाई करूंगी, इसका शेड है बेरी ग्लो आई थिंक। इसे अच्छी तरीके से हमारी लिप्स पर अप्लाई करेंगे। सो यार गाइस दिस इज माय फाइनल मेकअप, यू कैन सी। मैंने ना ही गाइस कोई हाइलाइटर अप्लाई किया है, ना ही कोई कॉन्टोरिंग की है, इट्स नेचुरल। मैंने सिर्फ अपना लूज पाउडर से बेकिंग करा था और कंसीलर अप्लाई किया है एंड ब्लश एंड लिपस्टिक एंड डन। और ये आईलाइनर और मस्कारा, बाकी इसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं किया। और ये मेरा रेगुलर मेकअप है गाइस, मैं रेगुलर हमेशा ऐसे ही मेकअप करती हूँ। और जब फिर पार्टी फंक्शन में जाना हो तब मैं फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करती हूँ। बट वन मोर थिंग गाइस, आप जब भी मेकअप करो स्किन केयर इज मस्ट। स्किन केयर के बगैर जो आप मेकअप करते हो वो काफी केकी होता है, फटने लगता है मेकअप अपना। तो ऑलवेज आप मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कर लो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द you guys like share comment and subscribe my channel, so I will see you in the next video. Tak tak ke liye bye.